मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स, फर्स्ट असाइनमेंट, मंथ ऑफ जनवरी, यूनिट 15। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप यू विल एंजॉय योर विंटर वेकेशन वेरी वेल। Dear student, as you all know that your winter vacation has finished now and it is time to study. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे students, मुझे उम्मीद है कि आप सब महफूज ताज़ा होंगे और अपनी सर्दियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से enjoy करके बैठे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये विंटर वेकेशन के बाद आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारी पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है। आई होप यू ऑल डन योर विंटर वेकेशन वर्क वेरी प्रॉपरली एंड वेरी नीटली। स्टूडेंट, टुडे असाइनमेंट इज बिलोंग टू मंथ ऑफ जैन। आपका आज का असाइनमेंट मंथ ऑफ जनवरी से ताल्लुक रखता है। सो यू हैव टू मेक फर्स्ट मंथ ऑफ जैन टाइटल पेज, देन मेक अ टाइटल पेज ऑफ यूनिट 15। यूनिट 15, your unit number is 15 and your unit name is light. Aapka unit number 15 hai, jiska naam light hai. Student, it is our new chapter, month of January. Ye hamara pehla sabak hai, jo month of January se belong karta hai. So, here is no need to take review. ज़ाहरी बात है, हमारा चैप्टर नया है और इसके रिव्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी रीड अबाउट लाइट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, रोशनी क्या है। I told you what is the source of light. इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी इस चैप्टर में कि sources of light क्या हैं, यानी कि light हम तक कैसे पहुंचती है, इसके sources क्या हैं। इन sources में आपको बताऊंगी कि ये sources किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आया कि ये natural sources हैं या आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। आफ्टर डिस्कसिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट, वी टोल्ड यू व्हाट इज लेमिनस एंड नॉन लेमिनस बॉडीज। जब हम ये जिक्र कर लेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट क्या है, इसके बाद हम लोमिनस और नॉन लोमिनस बॉडीज की बात करेंगे कि इनमें आखिर क्या चीज़ शामिल है। After this, we discuss about rectilinear propagation of light. इसके बाद हम rectilinear propagation की बात करेंगे कि light हमसे किस तरीके से हम तक पहुँचती है। For its understanding, we do activities. लाइट के चैप्टर्स को समझने के लिए हैं हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन वी कम टू नो हाउ लाइट वी गेट एंड व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ लाइट। सो नाउ वी स्टार्ट अवर यूनिट 15 लाइट। दिस चैप्टर is your book on page number 157. प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर
आपके 157 पेज पर दिया गया है। आप सब से ये गुजारिश है कि जब भी मैं आपको कोई चैप्टर रीड कर रही हूँ, आपको किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो इट इज़ नेसेसरी यू मस्ट ओपन योर बुक ऑफ दिस चैप्टर, कि आप इसको मालूम करें कि कौन से चैप्टर पर, कौन से पेज पर आपका ये चैप्टर दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको लाइट के बारे में बताना है कि लाइट क्या है। सो कम टू योर चैप्टर यूनिट 15 लाइट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओपन योर बुक एंड अंडरस्टैंड माय एक्सप्लेनेशन। हियर्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सीड द सेंसेशन ऑफ विजन। Image what the world would be like if there was no light around us. We need light to read. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि लाइट के ज़रिए ही हम किसी इमेज को देख सकते हैं, और अगर लाइट हमारे चारों तरफ ना होती तो वे क्या होता। क्योंकि we need light to read, हमें पढ़ने के लिए लाइट चाहिए। प्ले, जम्प, स्विम, ईट, इन फैक्ट ऑलमोस्ट फॉर एवरी थिंग एक्सेप्ट वैन वी स्लीप। हमें ज़िंदगी के हर काम के लिए लाइट चाहिए, सिवाय इसके कि जब हम सो रहे हों। लाइट लाइक वाटर एंड एयर इज एसेंशियल टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। लाइट भी हमारी ज़िंदगी में इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के वाटर या एयर किसी भी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स, इसी तरह जानवरों और प्लांट्स के लिए भी लाइट बेनतहा ज़रूरी है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे जो पौधे हैं, इसका जो ग्रीन मटेरियल है, अपना जो खाना तैयार करता है, ये लाइट की प्रेजेंस में तैयार करता है। और ये लाइट वो कहाँ से हासिल करता है? ऑब्वियसली ये सन से हासिल करता है। फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर नथिंग बट रिमेन ऑफ प्लांट विच डाई मिलियन ऑफ ईयर अगो एंड गॉट बरीड अंडर द अर्थ। प्लांट्स हैव लॉक्ड एनर्जी इन देयर मॉलिक्यूल्स दैट दे रिसीव फ्रॉम सन रेज। सन रेज जो हैं वो किसी भी पौधे के खाने की तैयारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाउ हियर वी टॉक अबाउट सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट के सोर्स क्या हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट फ्राहम करता है उसको सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। द वेरियस सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हम लाइट के सोर्सेस को दो कैटेगरीज में यानी कि तकसीम करते हैं। नंबर वन, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइफ, एंड सेकंड, मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट में ज़ाहिर बात है वो कुदरती अवामिल हैं जिसके ज़रिए से हमें लाइट पहुँचती है, और मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट से मुराद वो चीज़ें हैं जो इंसान ने ख़ुद अपनी कन्वीनियंट के लिए बनाई हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट आर मेंशन बिलो। यहाँ हम आपको नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट बता रहे हैं कि कुदरती अवामिल वो कौन कौन से हैं जो हमें लाइट फराहम करते हैं। नंबर वन, द सन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस इज़ द सन। हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लाइट फराहम करती है वो सन यानी कि सूरज है। इट इज़ अ वेरी ब्राइट सोर्स इवन
थॉट सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जबकि ये हमारी ज़मीन से 150 किलोमीटर दूर है। इट्स गिव सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू मेक द डे ब्राइट एंड वार्म फॉर अस ऑन द अर्थ, ये हमें एक मुनासिब मकदार में एक मुनासिब तनासब में लाइट फ्राहम करता है, जिससे कि हमारा दिन उजला रहता है और एक मुनासिब गर्मी हमें फ्राहम करता है कि जिससे हम ज़मीन पर सर्वाइव कर सकें। द सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट इज मून। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। द लाइट फ्राम द मून इज कूल एंड प्लेजेंट। सूरज के बाद जो दूसरा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो मून यानी कि चांद है। इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो हमें चमकदार दिखाई देता है और बहुत ही कूल और प्लेजेंट सी जो लाइट है वो हमें फराहम करता है। सेकंड सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में द स्टार्स आर अदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सम ऑफ देम आर इवन ब्राइटर देन द सन। इनमें से बाज़ स्टार ऐसे हैं जो सन से ज़्यादा ब्राइट हैं, बट दे आर सो फार फ्रॉम अस दैट दे आर सीन एट नाइट ओनली, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और हमें रात में ही दिखाई देते हैं। एज ट्विंकलिंग पॉइंट इन द स्काई, जैसे कोई एक नुक्ता है जो कि आसमान पर चमक रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सम ऑफ द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर मेंशन्ड बिलो। यहाँ पर हम आपको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो कि मैन मेड हैं उसके बारे में बताएंगे। कैंडल सुई, ऑयल लैम्प, अर्थन लैम्प, लेंटर्स, टॉर्च एंड गैस लैम्प, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की मिसालें हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एट नाइट, द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज ईदर द इलेक्ट्रिक बल्ब और द फ्लोरोसेंट ट्यूब। सोडियम लैम्प एंड द मर्करी लैम्प आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज नाउडेज एट इम्पोर्टेंस क्रॉसिंग ऑफ द रोड। बहुत सी जो क्रॉसिंग्स हैं रोड की, वहाँ पर ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट काम करते हैं। इनमें जैसे कि आपको बताया, मोमबत्ती हुई, घी के तेल के दिए हुए, लैंप हुए, टॉर्च, गैस लाइट हुई, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हैं जो कि इंसानों ने अपनी कन्वीनियंट के लिए ईजाद की हैं, ताकि वो रात के वक्त भी एक उजाला पैदा कर सकें और अपने कामों में आसानी पैदा कर सकें। स्टूडेंट, आपको जैसे कि बताया कि मून, स्टार्स वगैरह जो हैं ये भी नेचुरल सोर्स हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो वो हमें रोशन दिखाई देते हैं, और ज़ाहिर बात है इनकी रोशनी इतनी यानी कि हमारे लिए कारामद नहीं होती, क्योंकि मद्धम होती है और हमें अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम रात में भी करने पड़ते हैं, इसलिए भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, वी टॉक अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब आप कहेंगे कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या हैं, सो लेट्स सी। यू नो दैट द सन एंड द स्टार्स गिव अस लाइट। आपको जैसा कि मालूम है कि सूरज और स्टार्स यानी कि सितारे हमें रोशनी फराहम करते हैं। सच बॉडीज विच गिव ऑफ लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी। वो चीज़ें या वो बॉडीज जो हमें खुद ब खुद अपनी लाइट फराहम करती हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं, और इसकी सबसे पहली मिसाल सूरज है। नाउ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस डू नॉट गिव ऑफ लाइट देमसेल्फ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं
जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती बट बिकम विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम आवर ल्यूमिनस बॉडी फॉल्स ऑन देम, लेकिन वो उस वक्त चमकती हैं जबकि ल्यूमिनस बॉडी की लाइट्स उस पर फॉल होती हैं यानी कि गिरती हैं। सच बॉडीज विच डू नॉट गिव ऑफ लाइट ऑफ देयर ओन, वो चीज़ें या वो बॉडीज जो कि खुद ब खुद अपनी रोशनी नहीं देती आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द डिफरेंट अबाउट द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। यहाँ तक आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि नॉन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी में क्या फ़र्क है। वो अशिया जो हमें खुद ब खुद अपनी रोशनी में दिखाई देती हैं ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं, और उनकी रोशनी में जो चीज़ें चमकती हैं और रोशन दिखाई देती हैं वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड आर नॉन ल्यूमिनस, दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस हैं। द टेबल्स, चेयर, ट्रीज, बुक्स, पेन, पेंसिल्स आर ऑल नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ये तमाम चीज़ें नॉन ल्यूमिनस बॉडीज की मिसालें हैं। द मून इज ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, हमने आपको पहले पेज पे पढ़ाया, आपको बताया कि चांद चमकता है, ऑफ कोर्स हमें चमकता दिखाई देता है, बट द मून इज ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस बॉडी, लेकिन मून भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि उसकी अपनी कोई चमक नहीं, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो हमें चमकता दिखाई देता है। दीज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, जब सूरज की रोशनी या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इन पर पड़ती हैं तो हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो विजिबल दिखाई देते हैं, वो जाहिर हो जाते हैं हमारे सामने। व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम अ पार्ट ऑफ इट इज स्कैटर्ड एंड सम ऑफ इट एंटायर्स इनटू आवर आईज, और जब ल्यूमिनस बॉडीज की लाइट उन पर पड़ती हैं तो उनका इंटायर बॉडी जो है हमारे सामने विजिबल हो जाती है और ये हमारी आँख को देखने के काबिल हो जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक बॉडीज। सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजली एंड थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, वो अशिया जो कि अपने अंदर से लाइट गुजारने देती हैं और जिसकी वजह से वो हमें विजिबल दिखाई देती हैं वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। ग्लास, वाटर, एयर, टेलीफोन, पेपर और एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ग्लास, वाटर, एयर और सेलोफेन पेपर आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट से मतलब वो चीज़ है जिसमें से रोशनी आर पार हो जाए और हमें देखने में आसानी हो। इनमें आपको मिसाल दी जा रही है ग्लास की, वाटर की, एयर की और सेलोफेन पेपर वगैरह की, जिसमें से लाइट आर पार होती है और फिर हम उसे देख सकते हैं। ये तमाम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्टली बट थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, वो अशिया या वो चीज़ें जिनमें से लाइट पार्टली पास होती है यानी कि कुछ हुई कुछ ना हुई उसको ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहा जाता है। फ्रोस्ट ग्लास, एक ग्लास है जो फ्रोस्ट है, सही है, उसमें से हम आर पार नहीं देख सकते। ग्रीस पेपर ये उसमें से लाइट तो आर पार हो रही है लेकिन हम उसको ग्रीस पेपर के आउटर नहीं दे सकते। इसी तरह बटर पेपर है एंड वैक्स पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंस।
बटर पेपर, वैक्स पेपर ये चंद मिसालें हैं जो कि ट्रांसलुसेंट सब्सटेंस की मिसालें हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर कॉल्ड ओपाक। वो चीज़ जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को आर पार नहीं जाने देती ओपाक सब्सटेंस कहलाती हैं। वुड, मेटल्स, ब्रिक्स, स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ ओपाक सब्सटेंस। यहाँ आपको कुछ मिसालें दी जा रही हैं जैसे कि मेटल की है, ईंटों की है, पत्थर की है, ये वो सब्सटेंस हैं जो अपने अंदर से लाइट को आर पार नहीं होने देते। नाउ हियर वी डू वन एक्टिविटी, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 20 सब्सटेंस एंड क्लासीफाई देम एज अ ट्रांसपेरेंट, ओपाक एंड ट्रांसलूसेंट। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी तैयार करनी है जिसमें 20 चीज़ों को, ऐसे सब्सटेंस को लेना है जिनमें आपके पास ट्रांसपेरेंट की भी चीज़ें आ जाएं, ओपाक की भी आ जाएं और ट्रांसलूसेंट की भी कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएं, तो भी आपको इजीली ये देखने में आसानी होगी कि कौन सी ट्रांसपेरेंट है। आप देखेंगे कि जिसमें से लाइट आर पार हो रही है, ऑब्वियसली वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से आर पार हो रही है। इसके बाद ट्रांसलूसेंट एंड ओपाक बॉडीज हैं, वो ओपाक तो बिल्कुल भी अपने पार लाइट को नहीं जाने देता, लेकिन ट्रांसलूसेंट जो होती है वो उसमें से लाइट मध्यम तरीके से जाती है लेकिन हम उसके आर पार देख नहीं पाते हैं। रेक्ट लाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि रेक्ट लाइनर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या चीज़ है। While seeing a film in a cinema hall, you may have noticed that the light from the projector appear to go in a straight line. हमने, अगर ऐसा आपको भी कोई मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर को या सिनेमा हॉल में चलती हुई फिल्म को देखा होगा कि वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सामने स्क्रीन पर पड़ रही होती है। अपेयर टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन टू द स्क्रीन, स्क्रीन तक वो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है। इन अ सिनेमा हॉल व्हाट यू सी इज नॉट लाइट इटसेल्फ बट इन नंबरेबल डस्ट पार्टिकल इज अ पाथ ऑफ लाइट। अब जिस, यानी कि आपको कहा जाना चाहिए जिस पेपर पे, जिस स्क्रीन पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होती है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वहाँ पर रोशनी का कोई शायबा नहीं होता, लेकिन लाइट की एक स्ट्रेट उस पर जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कुछ, हमने, आपने कभी एक हॉल में से भी अपने दरवाजे के देखा होगा कि ऐसा लगता है डस्ट पार्टिकल चले आ रहे हैं, वो लाइट का गुजरना होता है, उससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखाई देता है। तो इस तरह सिनेमा के पर्दे पर फिल्म वाजे हो जाती है। Now here we do one exercise. Take 3 cardboard of the same size. हमें 3 तरह के cardboards लेने हैं बिल्कुल same size के. Stack them together and make a hole in each by using a knitting needles. अब हमने उसमें क्या करना है कि उनके बिल्कुल एक ही size के लेकर उनमें एक ही जगह पर needle से सुराख करना है, hole करना है. Arrange this board so that they are stand in a straight line on a table. अब हम, जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया जा रहा है, टेबल पे उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करेंगे. Sure that the holes are on the same height. हमने आपको पहले बताया कि हमें सेम जगह पर और सेम हाइट पर ये होल्स इन तीनों कार्डबोर्ड्स पे करने हैं. Place a light bulb और कैंडल एट वन एंड. अब हमें क्या करना है कि दूसरे एंड पर या तो बल्ब या कैंडल, कोई भी जलती हुई चीज़ को रख देना है. लुक थ्रू द होल्स फ्रॉम द अदर एंड एडजस्ट द कार्डबोर्ड सो दैट द आई, द बल्ब और द कैंडल एंड द 3 होल्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन. यू कैन देन सी द लाइट. जब ये तीनों चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट एक ही लाइन में होंगी देन वी कैन सी द लाइट. तो हमें, यानी कि हमारी आँख
वो तीन कार्डबोर्ड के होल्स और दूसरी तरफ रखी हुई कैंडल्स या बल्ब, वो तीनों एक ही लाइन में होंगे तो इस तरह हमें लाइट जलती दिखाई देगी। नाउ मूव द सेंट्रल कार्डबोर्ड। अब हमें क्या करना होगा कि सेंटर का जो कार्डबोर्ड है उसे हटा देना है, सो दैट द होल इज़ नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ कि होल जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा। विद द अदर कैन यू नाउ सी द लाइट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आपको ये बात अच्छी तरीके से वाजे हो गई होगी कि जब तक लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर बीच में उसके कोई रुकावट आ जाए तो भी हम दूसरी तरफ का कुछ भी नहीं देख पाते। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि किस तरह रेक्टलाइनर प्रोपगेशन होती है लाइट की। जब तक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से जा रही है तो हमें व्यू नज़र आ रहा है, और जब हम इसको बीच में तोड़ देते हैं या इसका एक सीक्वेंस हटा देते हैं तो फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। नाउ कम टू योर सेकेंड एक्टिविटी, प्लेस अ लाइट कैंडल ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है कि टेबल के ऊपर कैंडल्स रखनी है। टेक अ रबर ट्यूब एंड लुक थ्रू इट। अब आपने एक रबर ट्यूब लेनी है और उसके आर पार आपने देखना है। इट एट द फ्लेम, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर शोला जलता हुआ मोमबत्ती का आपको दिखाई देगा। बेंड द ट्यूब स्लाइटली, अब हल्के से हमने क्या करना है, ट्यूब को हल्का सा बेंड कर देना है, मोड़ देना है। एंड ट्राई टू सी द फ्लेम अगेन, अब हम दोबारा उसे आर पार देखने की कोशिश करेंगे। कैन यू सी इट नाउ, क्या आप देख पा रहे हैं फ्लेम को। मूव इन अनदर पोजिशन एंड ट्राई टू सी, अब आप इसको मूव कर लें, दूसरी जगह मूव कर लें, क्या आपको दिखाई दे रहा है। फ्लेम थ्रू द बेंड ट्यूब, कैन यू सी इट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें ये बात, इस दूसरी एक्टिविटी से हमें ये बात जाहिर हो गई कि अगर हम उसका जाविया बदल भी देते हैं अपनी एक स्ट्रेट लाइन का तो भी हमें रोशनी आर पर दिखाई नहीं दे सकती। स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इजी एक्टिविटीज़ थी जो आपके अपने बुक में मौजूद हैं। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं कि किस तरह रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइट की स्ट्रेट किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट को रख के ही लाइट का सफ़र आपको स्ट्रेट बताया गया है कि लाइट हमेशा सीधे रास्ते पर सफ़र करती है। दिस एक्टिविटीज शो द लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी आपको शो करती है कि लाइट जो है हमेशा सीधे रास्ते पर सफ़र करती है। द असोस गिव ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये बात भी हमें रखनी जहन में चाहिए कि लाइट जो होती है, सोर्स होता है लाइट का, वो लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाता है। यानी कि उसका ये मकसद नहीं होता कि सूरज है जो जनाब वो सामने ही सामने हमें रोशनी फराहम करा, नहीं, सूरज की रोशनी दाएं भी पड़ती है, बाएं भी पड़ती है, आगे भी पड़ती है, पीछे भी पड़ती है। यानी कि सूरज वो ऑब्जेक्ट है, या कोई भी लाइट का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ स्ट्रेट ही हम पर लाइन बॉल करिए, वो ऑल डायरेक्शन में लाइट फैलती है। लेट्स सी व्हाट्स हियर, द लाइट गिव आउट बाय द ल्यूमिनस बॉडी विच एज अ बर्निंग कैंडल। लाइट हमें जो है ल्यूमिनस बॉडी के जरिए, बर्निंग कैंडल के जरिए हासिल होती है, और एन इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब से स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जो कि चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में फैल जाती है। मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसकी लाइन जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं। अब आप चारों पांचों जगह पर स्ट्रेट लाइन बना के देखें, जैसा कि अभी आप नीचे फिगर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा और इस बात की वजाहत अच्छी तरीके से हो जाएगी
कि लाइट जो है अपना ट्रेवल वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही करती है। द लाइट फ्रॉम अ सोर्स गेट्स डिमर एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट। लाइट इज दैट रेडिएशन विच एग्जिस्ट द सेंसेस ऑफ विजन। हमें लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें विजन यानी कि हम देखने के काबिल हो जाते हैं। द रेट, यहाँ हमने आपको जो ये बताया कि लाइट हर डायरेक्शन पर फैलती है, जाहिर बात है हमारी आंख भी चारों तरफ घूमती है और हम इधर उधर देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट है तो हम इधर उधर देख रहे हैं और हमारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। अगर आप ये सपोज़ करें जैसे कि हमारे आंखों की रोशनी नहीं होती, हमारे पास बिनाई नहीं होती, हमारे पास कोई लाइट का सोर्स नहीं होता, तो जाहिर बात है आपने किसी भी अंधे को देखा होगा कि उसकी आंखें स्टिल होती हैं, वो मूव नहीं कर रही होती क्योंकि चारों तरफ उसके लाइट नहीं होती। अब आप इस पिक्चर में देखें कि लाइट चारों पाँचों डायरेक्शन में फैल रही है, ओके, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, कहीं मुड़ तुड़ नहीं रही, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, कहीं भी हो रही है तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मूव कर रही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ विजन रेडिएशन इज कॉल्ड लुमिनस फ्लैक्स। ये हमें लुमिनस फ्लैक्स कहलाता है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं या उसका अहाता कर सकते हैं कि वो किस साइड पर है। द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ द लाइट इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाय द सोर्स द ग्रेटर इज लुमिनस इंटेंसली। अब आपको ये बता रही हैं कि लाइट का जो पार होने का जो है पर सेकेंड में वो तय करती है, ओके। द लुमिनस इंटेंसली इज अ गिवन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड सोर्स हैव बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज वन कैंडल सैम्पल द बेसिक यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द अदर सोर्स आर कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड सोर्स। ये किसी भी लाइट के किसी भी जगह किसी भी मुल्क दुनिया के किसी भी हिस्से में लाइट के ट्रेवल होने का आपको एक स्टैंडर्ड वक्त बता दिया गया है कि स्टैंडर्ड सोर्स है कि ये पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करती है। हम जब हमारी आँखों के सामने लाइट होती है और हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो फौरन ही देख लेते हैं, क्योंकि लाइट का जिस तेज़ी से लाइट हमारी आँखों में आती है या पार होती है तो उसी रफ्तार से हमारे देखने की क़ुव्वत काम करती है कि हमारे देखने की क़ुव्वत है क्या। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको अब तक का यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या क्या बताया है। पहले हमने आपको बताया कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट हमने आपको बताया कि नेचुरल सोर्स हैं और आर्टिफिशियल सोर्स हैं। देन वी टॉक अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, बताई एक वो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, एंड देन ट्रांसपेरेंट एंड ओपाक बॉडीज़ ETC। उसके बाद हमने रेक्टलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताया कि ये सीधे यानी कि स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है लाइट। उसके बाद हमने आपको बताया कि सोर्स गिव ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, के सोर्स जो है वो लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाता है, ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में फैल रही है, लेकिन ये सब स्ट्रेट लाइट के साथ ही चारों डायरेक्शन में फैलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया टुडे असाइनमेंट के तौर पर, जितना आपको समझाया, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है और आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको जिस चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसके बाद भी आप गौर से देखा करें कि इसमें आपको बताया क्या जा रहा है और हमारे बताने का मकसद है क्या। डियर स्टूडेंट, इन दिस असाइनमेंट आई गिव यू
filling the blank as assignment and then true and false. I hope you will understand this chapter. अभी हमारा कुछ चैप्टर बाकी है जो कि हम बाद में आपको बताएंगे. आपको अब तक की मैं समरी बता देती हूँ कि कंक्लूजन है अब तक की जितनी भी मैंने रीडिंग करी उसका. द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. द सन एंड द मून आर द ग्रेटेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी. क्रोसिन लैम्प कैंडल इलेक्ट्रिक बल्ब ETC आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. द सोर्स ऑफ लाइट स्प्रेड लाइट इन ऑल डायरेक्शन के लाइट ऑल डायरेक्शन में फैलती है. लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ एंड एनहेंस कास्ट शेडो. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन की सुबह में फैलती है और इन्हेंस करती है शेडो को. नाउ वी कम टू अवर असाइनमेंट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस असाइनमेंट इज फिलिंग द ब्लैंक. फर्स्ट ब्लैंक इज द लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपका आंसर एनर्जी होगा एज यू सी ऑन द स्क्रीन. योर सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक इज अ शेडो ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेंट्रल डार्क उम्परा एंड आउटर लेस डार्क पेम्परा रीजन. द वाइट थर्ड वन इज द वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म. फोर्थ वन इज By mixing the primary color of the other color can be made. Number 5 है the white object reflect all the color in the white light. आपको blanks दे दी गई हैं, fill कर दी गई हैं ताकि आपके लिखने में आसानी हो. Now come to your true and false. First one is P. Number is a completely dark portion of the shadow.